देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोविड बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। चलिए आज की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। खबर कालाढूंगी से है, जहां कालाढूंगी के नैनीताल तिराहे को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर लोक निर्माण विभाग नैनीताल, राजस्व विभाग और नगर पंचायत टीम ने कालाढूंगी पुलिस को साथ लेकर चिन्हीकरण किया। इधर कालाढूंगी नगर पंचायत ने बाजार में लगने वाली दुकानों को अधिक फैलाकर न लगाने की चेतावनी दी है। पक्के अतिक्रमण को नजरअंदाज करते हुए छोटे और गरीब लोगों को परेशान करने के नगर पंचायत, पुलिस और तहसील विभाग पर लगे आरोपों के बाद अब बाजार में फर ठेले वाले भी नगर पंचायत द्वारा दिए गए चिन्हित स्थान पर अपने फर ठेले लगा सकेंगे। जबकि नैनीताल तिराहे पर हाईकोर्ट को जाने वाले वाहनों और नैनीताल के आवागमन को देखते हुए यहां सड़क किनारे बैठे फर ठेला और खोखे वालों को कोई राहत नहीं दी गई है। यहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में नैनीताल मार्ग में 12 मीटर की परिधि में फर ठेला खोखा न लगाने की चेतावनी देते हुए अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह में अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी गई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान नायब तहसीलदार वाईके पांडे, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी प्रतिभा कोहली, लोक निर्माण विभाग नैनीताल के महेंद्रपाल कंबोज समेत कालाढूंगी पुलिस एवं राजस्व और नगर पंचायत कर्मी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं कालाढूंगी से, ब्यूरो मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। ये हमारी रोड की परिधि के अंदर कुछ लोगों ने आज का ही टीन शेड बना के अतिक्रमण कर रखा है। इनको हटाने हेतु नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं और जिसमें एक सप्ताह का टाइम दिया गया। ये हमारा जो रोड की 12 मीटर की परिधि के अंतर्गत ये इन्होंने किया गया अतिक्रमण। शिकायत के अनुसार लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष ईओ साहब के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया गया। रोड साइड पर टीन शेड लगे हैं, कुछ पक्की दुकानें भी बनी हुई हैं, जिनके संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा उनको हटाने के लिए एक हफ्ते का समय देते हुए नोटिस दिया जाएगा। यदि उनके द्वारा नहीं हटाया गया तो उसे विभाग के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।